हेलो एवरीवन, लेट मी फर्स्ट आस्क यू अ क्वेश्चन। इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन वंस, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम यू गेट? टू पॉसिबल आउटकम्स, आइदर हेड और टेल। इफ यू आर टॉसिंग द कॉइन ट्वाइस, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम यू गेट? फोर पॉसिबल आउटकम। नाउ इफ यू आर टॉसिंग कॉइन फॉर थ्री टाइम्स, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम डू यू गेट? सो योर आंसर विल बी सिक्स आउटकम्स। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन थ्री टाइम्स, यू विल गेट एट पॉसिबल आउटकम्स। नाउ हाउ इज दैट? यू माइट बी इमेजिंग दैट इफ यू आर टॉसिंग वंस, इट इज टू वंस आर टू। इफ यू आर टॉसिंग ट्वाइस, टू टूज आर फोर। एंड इफ यू आर टॉसिंग थ्री टाइम्स, इट इज टू थ्री आर सिक्स। दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू फाइंड पॉसिबल आउटकम। लेट मी आस्क यू सम अदर क्वेश्चन और सम अदर एग्जाम्पल। इफ यू आर टॉसिंग और इफ यू आर थ्रोइंग अ डाई वंस, यू आर गेटिंग सिक्स आउटकम। If you are throwing the same die twice, how many possible outcome you get? The Ludo dice which we play, if you are throwing it once, we are getting six possible outcome. And if we throw it twice, how many possible outcome do we get? So you might be thinking 6 twos are 12, we will be getting 12 possible outcome. But no students, in actual practice, if you are throwing a dice two times, then you will be getting 36 possible outcomes. So now let us come to our point, that what is the exact way to find possible outcome of any experiment. I have written over here on. So let's on the lecture. We are starting our lecture number 3. So what is on? On means O raised to N. Any event in which you need to find total possible outcome. So you just have to take O raised to N. What is the formula students? It is O raised to N, where O is एक बार experiment के outcomes. O क्या है student? के एक बार experiment करने पे कितने possible outcome मिलते हैं? इस चीज को मैं एक example से समझते कि मैं एक coin दो बार toss करता हूँ. एक coin कितनी बार toss करता हूँ? दो बार. तो अगर मैं उस coin को एक बार toss करूँगा तो कितने possible outcomes है? टू. तो मेरा O कितना हो जाएगा? टू. और उस कॉइन को मैंने कितनी बार टॉस किया है? दो बार टॉस किया है. तो मेरा यहाँ पे एन कितना हो जाएगा? टू. और इसीलिए इफ आई एम टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस तो पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे टू रेस टू टू, दैट इज फोर. गेटिंग स्टूडेंट? अगर एक कॉइन एक बार टॉस करते हैं तो एक बार टॉस करने पे पॉसिबल आउटकम कितने हैं? दो है. और वो कितनी बार टॉस कर रहा है? एक बार. इसीलिए टोटल आउटकम होते हैं दो. अगर वो दो बार टॉस करता है तो एक बारी टॉस करने के दो पॉसिबल आउटकम, दो बारी टॉस करने के चार पॉसिबल आउटकम. अगर वो तीन बार टॉस करता है तो एक बार टॉस करने पे कितने आउटकम है? दो आउटकम है. तीन बार टॉस करने पे कितने आउटकम हो जाएंगे? टू का क्यूब हो जाएगा, एट पॉसिबल आउटकम्स. तो रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन थ्री टाइम्स तो उसके पॉसिबल आउटकम होंगे टू रेस टू थ्री, दैट इज एट. अगर चार बार टॉस करते हो तो टू रेस टू फोर, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा 16 विल बी पॉसिबल आउटकम. अब हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. उसमें डाई के बारे में बात की है. अगर मैं डाई को एक बार फेंकता हूं, इफ आई एम थ्रोइंग अ डाई वंस, तो एक बार फेंकने पे उसका ओ कितना हो जाएगा? सिक्स. एक बार डाइस फेंकूंगा तो एक बार एक्सपेरिमेंट करने के कितने आउटकम है? छह आउटकम है. और उस एक्सपेरिमेंट को मैं कितनी बार कर रहा हूं? एक बार कर रहा हूं. तो पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 6 raised to 1, दैट विल बी 6. अगर वही डाई मैं दो बार फेंकता हूं तो अब मेरा एन हो जाएगा 2. मेरे पॉसिबल आउटकम्स तो 6 है, लेकिन मैं कितनी बार फेंक रहा हूं? दो बार. तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगी 6 का स्क्वायर, दैट इज 36. सो इफ यू आर टॉसिंग अ डाई ट्वाइस, आपके पॉसिबल आउटकम कितने हैं स्टूडेंट्स? 36. तो जनरल एक फॉर्मूला बना दी, आपको रिमेंबर रहे इसके लिए, याद रहे इसके लिए. ऑन क्या याद रखना है आपको? ओ एन. ऑन ओ रेस टू एन. क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? O raised to N. किसी भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी घटना हो रही है उसके पॉसिबल आउटकम कैसे ढूंढ सकते हो? O raised to N से, जहां पे O क्या है? एक बार इवेंट करने के चांसेस, और N क्या है? कितनी बार वो इवेंट करते हो.
क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन 3 times 8 पॉसिबल आउटकम, इफ यू आर थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस देन 36 टोटल पॉसिबल आउटकम. नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज ऑन योर स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट इट. ये मैं रब कर देता हूं, टिल देन यू रीड क्वेश्चन नंबर 22. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 22 उन्होंने एक टेबल बना के दिया हुआ है जिसके हमें आंसर फाइंड आउट करने हैं. आई होप सो आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा क्वेश्चन आ गया होगा. लेट मी रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एक डाई को 2 बार फेंक रहे हैं. डाई है ऐसा समझ लो, 2 डाइस है और डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है, तो दोनों डाइस पे कुछ ना कुछ नंबर आने वाला है. हो सकता है किसी पे 1 आए तो दूसरी पे 2 आ जाए, इस पे 5 आए तो उस पे 4 आ जाए. तो 2 डाइस साइमल्टेनियसली फेंकी. अब हमें वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसके ऊपर कौन से 2 नंबर का सम आएगा. इट मीन्स ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये हमारी पहली डाई और ये दूसरी डाई, दोनों डाई को हमने थ्रो किया और थ्रो करने पे हो सकता है इस पे 2 आ जाए और इस पे सपोज कितना आता है 5, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 7. सपोज मैंने डाई थ्रो की और इस पे आया 3 और इस पे आया 2, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 5. तो पहले तो 2 बार डाई फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे 36. अब वो 36 का हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस किस तरीके से लिखना है, तो जितने पॉसिबल आउटकम है वो लिखते जाओ. डाई पे क्या क्या आ सकता है, पहली वाली डाई पे 1 और दूसरी पे भी 1, या फिर पहली वाली पे 1 दूसरी पे 2, या पहली वाली थ्रो की तो 1 आया और दूसरी वाली पे 3 आया. समझ रहे हो ना स्टूडेंट किस तरीके से 2 डाइस को साइमल्टेनियसली फेंक रहे हैं हम. तो हो सकता है कि पहली वाली पे 1 आए दूसरी पे भी 1 आए, पहली पे 1 दूसरी पे 2, पहली पे 1 तीसरी दूसरी पे 3, पहली पे 1 दूसरी पे 4, पहली पे 1 दूसरी पे 5, पहली पे 1 दूसरी पे 6. इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ऐसा मिलेगा कि पहली पे 2 दूसरी पे 1, पहली पे 2 दूसरी पे भी 2. तो इसका सैंपल स्पेस मैंने लिख दिया है. ये तो मैंने सिर्फ कितने लिखे यहाँ पे 6 4 24 सैंपल स्पेस लिखे. इसके आगे और भी सैंपल स्पेस बनेंगे. क्या सैंपल स्पेस बनेगा? हो सकता है इस वाली डाई पे, पहली वाली डाई पे 5 आता है और दूसरी वाली डाई पे कितना आता है 1 आता है. हो सकता है पहली वाली डाई पे 5 आता है, दूसरी वाली पे कितना आता है 2, पहली पे 5 फिर 3. आप खुद भी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आगे का सैंपल स्पेस लिख लीजिए. 5 4 5 5 एंड 5 6. या हो सकता है फर्स्ट डाई पे 6 आता है, सेकेंड डाई पे 1, फर्स्ट पे 6 सेकेंड पे 2, फर्स्ट पे 6 सेकेंड पे 3, फर्स्ट पे 6 सेकेंड पे 4, फर्स्ट पे 6 सेकेंड पे 5, या फिर दोनों पे आ सकता है 6 6. ये पॉसिबल आउटकम्स है. चेक कर लीजिए, हमने हमारी जो फॉर्मूला लगाई थी उसके हिसाब से भी क्या आता था 6 raised to 2, कितने आते थे 36. और ये हमने प्रूव भी कर दिया कि किसी भी इवेंट को 2 बार डाइस फेंकने पे कितने टोटल पॉसिबल आउटकम है 36. अब हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगर आप सैंपल स्पेस बना लेते हो तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाने वाला है. फर्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्टली अब इसको आंसर करेंगे, इतना समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन बहुत ईजी है. पहला क्वेश्चन टेबल के अंदर दिया हुआ है, इस तरीके से कुछ टेबल बना के दिया हुआ है हमें. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. यहाँ पे देके रखा है कि ये चीज़ें इनकी सम है और पहली प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है हमें. पहली प्रोबेबिलिटी दे दी है 1 out of 36. अब हमें दूसरा क्वेश्चन ढूंढना है. वो कहता है कि दोनों का टोटल 3 होना चाहिए. स्टूडेंट दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 3, तो यहां से ले लो 3 होने के टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, ये भी 3 होगा और यहां से देखो तो ये भी 3 होगा. और कोई कंडीशन में डाई के ऊपर आने वाले नंबर का एडिशन 3 नहीं होने वाला है तो कितने आउटकम्स मिलेंगे, ये और ये 2 पॉसिबल आउटकम है आउट ऑफ 36, जिसको आप कह सकते हो 1 out of 18. अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, 4
कि भाई दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आते हैं उनका एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, 4। तो यहां से अब ये पॉसिबल आउटकम्स हम फाइंड करते हैं। इसके लिए आप वीडियो पॉज करके सभी का ट्राई कीजिए पॉसिबल आउटकम। ये भी 4 हो सकता है, ये भी 4 हो सकता है, और ये भी 4 हो सकता है। देखो 1+3 भी 4, 2+2 भी 4, और 3+1 भी 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए, 3 आउटकम्स और आउट ऑफ 36। नेक्स्ट 5 आने के चांसेस, तो पहले मैं ये रब कर देता हूँ। 5 आने के चांसेस आप सोच के रखो, एक तो ये वाला 1+4, देन 2+3, देन 3+2, और कोई चीज़ में आ सकता है, यस 4+1, ये रहा। और कोई ऑप्शन है, तो देखो सारे ऑप्शन आ गए, 1+4, 2+3 5, 3+2, 4+1। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे वो 5 आता हो, तो ये हो गए 1, 2, 3 और 4। तो आंसर आएगा 4 out of 36। 6 आने की पॉसिबिलिटीज तो आपको काउंट कर लेना है, एक तो 1+5, देन 2+4, देन 3+3, देन 4+2, 5+1। एनी अदर पॉसिबिलिटी? नो, इतनी पॉसिबिलिटी है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1.5, 2.4, 3.3, देन 4.2, 5.1। सो 1, 2, 3, 4, 5, 5 out of 36। देन 7 आने के चांसेस फाइंड करने हैं। आप खुद वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए सैंपल स्पेस में से। 7 आना चाहिए टोटल दोनों नंबर का एडिशन, तो 1 और 6 का एडिशन, 2 और 5 का एडिशन, 3 और 4 का एडिशन, 4 और 3 का एडिशन, 5 और 2 का, 6 और 1 का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 out of 36। अब 8 आने के चांसेस मैं रब करता हूँ, तब तक आप सोचिए क्या होगे। 8 आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 8 लाना है हमें। तो 8 कैसे आएगा, 6 और 2 से आएगा, 5 और 3 से आएगा, 4 और 4 से आएगा, 5+3, 6+2, 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर आया 5 out of 36। अब स्टूडेंट हमें क्या लाना है, 9 लाना है। तो 9 लाने की पॉसिबिलिटी, आई होप सो अब आप वीडियो को पॉज करके पूरा सम खुद से सोच सकते हो। टिल देन मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये 5 है, ये हो जाएगा 4/36, ये हो जाएगा 3/36, ये हो जाएगा 2/36, और ये हो जाएगा 1/36। आई होप सो आपके ये आंसर्स आए होंगे, टैली कर लीजिए। ठीक है, लास्ट वाला हम टैली कर लेते, 12, तो 6.6। सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस सम इन दिस वे। जो बच्चे एवरेज है, जिनको लर्न नहीं होता या मैथ समझ में नहीं आता, वो कई बार लर्न करते हैं, तो लर्न नहीं एक टेक्निक भी ला सकते हो कि भाई 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 6 तक वो बढ़ा, 7 तक वो बढ़ा, और फिर वो डिक्रीज होके 1/36 हो गया। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये जो सेम 22 क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है 24, तो 23 हम बाद में लेते हैं, इसके साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 24 हम कर लेते हैं। तब तक आप ये नोट डाउन कीजिए, हम 24 साथ में स्टार्ट कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यू नोट दिस डाउन स्टूडेंट्स। 24 कहता है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, इसीलिए यही सैंपल स्पेस रहेगा। डाई कितनी बार फेंकी है, 2 बार डाइस को फेंकी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। सो बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन 24, इसको रब कर देता हूं मैं। आई होप सो आप स्टूडेंट्स सब नोट्स लेके इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, साथ साथ में मेरे करते जाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10, देन दिस टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो कीप सॉल्विंग सम्स अलॉन्ग विथ मी, और हो सके तो मेरे से आगे आप निकल जाइए। वीडियो को पॉज करके 24 नंबर खुद से ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, कि दोनों के ऊपर एक भी बार 5 नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 5, मैं यहाँ पे इवेंट ले लेता हूँ, इवेंट ए ले लेता हूँ, दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, एक भी बार 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे पी ऑफ ए, टोटल पॉसिबल आउटकम तो हमें पता है कितने हैं, 36।
अब एक भी बार फाई नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक भी बार फाई आना चाहिए नहीं, तो ऐसे नंबर्स ले लो जिसमें फाई ना आता हो। तो देखो 1 2 3 4 इसमें फाई आता है तो काउंट नहीं करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, अब ये पूरी लाइन स्किप कर देंगे क्योंकि सब में फाई आता है। फिर 21 22 23 24 और 25, तो 25 आउट ऑफ 36 हमारा आंसर। देखा स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस डाई वाला जब भी सम दो बार डाई फेंकने का आता है, और अगर आप सैंपल स्पेस बना देते हो ना, तो आपका सम इजीली भी हो जाएगा और आपका आंसर भी रॉन्ग नहीं होगा। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सपोज उसको इवेंट दे देते हैं बी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस। क्या क्वेश्चन है, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एक बार तो 5 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी इज इक्वल्स टू, टोटल तो कितनी है 36। अब हमें ऐसे चांसेस लेने हैं जिसमें एक बार तो आना चाहिए, कम से कम एक बार। अगर दोनों बार 5 आता है तो भी चलेगा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक बार। तो देखो यहाँ आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस वन 11। टोटल ऐसे 11 आउटकम्स है जिसमें 5 एटलीस्ट वंस आता है, तो हमारा आंसर हो गया 11 आउट ऑफ 36। सो प्लीज स्टूडेंट्स, यू नोट दिस डाउन, फिर मैं ब्लैक बोर्ड रब कर दूंगा और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 और 25, दो क्वेश्चन लेफ्ट है, तो प्लीज इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 times। पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है। हनीफ इज प्लेइंग अ गेम विथ हिज फ्रेंड, जिसमें वो कहता है कि 3 बार टॉस करेंगे। तो स्टूडेंट, 3 बार टॉस करने के पॉसिबल आउटकम 2 raised to 3। 3 बार टॉस करना है, 1 बार टॉस करने के कितने पॉसिबल आउटकम है, 2 आउटकम। उसको कितनी बार टॉस करेंगे, 2 raised to 3, 8 आउटकम आएंगे। और वो 8 आउटकम मैंने लिख दिए हैं कि वो 3 बार टॉस करता है, तो हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 बार टेल आ जाए, या उसके अलावा की सारी पॉसिबिलिटीज मैंने लिख दी कि हेड हेड टेल्स हेड टेल टेल, 3 बार टेल 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 हेड टेल हेड 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 टेल हेड या टेल हेड टेल। ये 8 पॉसिबिलिटी है, हम तो ओरली बता दे रहे थे। हमारी फॉर्मूला ओ रेस टू एन, कितने आउटपुट्स थे, 1 बारी के 2, और कितनी बार टॉस किया, 3, तो 2 raised to 3 कितना आया, 8। अब वो कंडीशन क्या दे रहा है, पहले ही हम क्वेश्चन के एंड में पहुंच जाते हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ गेम लूज करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। लेकिन हनीफ ने कंडीशन क्या लगाई थी, हनीफ विल विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ कब जीतेगा स्टूडेंट्स, जब सारे के सारे टॉसेस सेम रिजल्ट देंगे। सेम रिजल्ट यानी या तो 3 हेड होने चाहिए या तो 3 टेल। चलो फिर से फिर से फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हनीफ गेम लूज कर देगा। हनीफ के पास विन होने के लिए क्या कंडीशन है, कि 3 बार टॉस किया तो 3 बार या तो हेड आना चाहिए, 3 बार या तो टेल आना चाहिए, तो हनीफ विन कर जाएगा। तो हनीफ लूज कब करेगा, जब 3 बार हेड और 3 बार टेल नहीं आता है। तो यहाँ पे हनीफ के लूज होने के चांसेस, इसमें हनीफ विन करेगा, इसमें भी हनीफ विन करेगा। वो लूज कहाँ पे करेगा, 1 2 3 4 5 और 6 6 out of 8। तो 6 out of 8 चांसेस है कि हनीफ लूज करेगा। इसको अगर और हम कट करें तो 2 3 2 4 3 by 4, तो 3 by 4 चांसेस है हनीफ के लूज करने के। और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए सपोज हम कंडीशन ले लेते हैं बी, भले क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम फाइंड कर लेते हैं कंडीशन दैट हनीफ विंस द गेम। हनीफ के गेम विन करने की कंडीशन, तो पी ऑफ बी कब जीतेगा हनीफ, जब वो या तो हेड हेड लाता है या तो टेल टेल टेल, यानी 2 out of 8
दैट इज 1/4. चेक कर लो दोनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आता है 1. तो हनीफ विल विन द गेम इन केस ऑफ 2/8 और 1/4, और ही विल लूज द गेम उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/8 या फिर आप कह सकते हो 3/4. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन 25 ओरली सॉल्व हो जाएगा. ट्रू और फॉल्स, आपको करेक्ट है या नहीं वो रीजन के साथ देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन्स, दोनों को टॉस किया. पहले तो स्टूडेंट, दो कॉइन को दो बारी टॉस किया है तो आप बता दीजिए कि उसका टोटल आउटकम कितना होगा. 4. टू कॉइन्स कितनी बार टॉस किए, दो बार टॉस किए, तो आएगा आंसर 4. तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4. यहां पे ये कहता है कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देर आर टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच. वो क्या कहता है, या तो दोनों हेड हेड हो सकते हैं, या तो दोनों टेल टेल हो सकते हैं, या एक हेड एक टेल. हाँ, उसने वो बात कही वो सही है, लेकिन आगे वो क्या कह रहा है, therefore for each of these outcome the probability is 1/3. टोटल आउटकम कितने हैं, 4. चारों चार आने के चांसेस इक्वल है, तो टोटल कोई भी एक आउटकम कितना होना चाहिए, 1/4. कोई भी एक आउटकम कितना होना चाहिए, 1/4. वो यहां पे कहता है 1/3, तो हम लिखेंगे कि फॉल्स, इनकरेक्ट है. उसने पहला स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है कि हाँ भाई ये पॉसिबल आउटकम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस है 1/4, नॉट 1/3. सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ डाई इज थ्रोन देर आर टू पॉसिबल आउटकम. अगर कोई डाई को फेंको तो वो कहता है दो पॉसिबल आउटकम है, वैसे 6 होते हैं, लेकिन पहले उसकी बात पूरी सुन लो. वो क्या कहता है, देर आर टू पॉसिबल आउटकम, या तो वो नंबर ऑड हो सकता है या तो इवन. तो ये बात 100% सही है. अगर आप एक डाई फेंकते हो, डाई में 6 नंबर होते हैं, तो 6 में से आधे ऑड होंगे, आधे इवन होंगे. तो यस, ही इज करेक्ट. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. हमारे पहले ही वीडियो लेक्चर में हमने ऐसे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था कि कोई भी चीज odd या even है तो वो हमेशा आधी रहने वाली है, 1/2, 0.5. So, second question is correct. First question में condition दी हुई है वो correct है, लेकिन उसका result incorrect है क्योंकि probability होगी 1/4. Second वाले में दोनों ही correct है, condition भी और उसने जो reason दिया है, उसने जो probability दी है वो भी कैसी है, correct है. So here we finish our exercise 15.1 and still there is one thing which we need to discuss today. एक बहुत ही important चीज discuss करनी है. ये students हमने जो पढ़ा वो chapter था theoretical probability. एक्चुअली जो टॉपिक अभी हम ले रहे हैं वो टॉपिक है कि थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है. यू स्टूडेंट्स माइट बी वेटिंग कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लूंगा. एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसका पूरा मैंने डेटा रेडी कर ही रहा हूँ. 20-25 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में फाइंड आउट कर रहा हूँ और उसके ऊपर एक और मैं लेक्चर ले लूंगा. फिलहाल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है. स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड तक आप पढ़ते थे वो प्रोबेबिलिटी थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जहां पे एक एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ चीजें की जाती थी और उसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी निकाल देते. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे, आपको इमेजिनेशन करना है, आपको अभी अंडरस्टैंड ये करना है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है. 9th में पढ़ा था वो था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और अभी जो 10th में ये जो तीन लेक्चर थे ये थी थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी. डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में कोई भी चीज होने के पॉसिबल आउटकम इक्वल नहीं होते हैं. जैसे मैं एक कॉइन को 10 बार टॉस करता हूं, क्या करता हूं स्टूडेंट, एक कॉइन को मैंने कितनी बार टॉस किया, 10 टाइम्स, और 10 की 10 टाइम्स मेरा लग अच्छा था कि हेड आया. मैंने 10 बार टॉस किया और 10 बार क्या आया, हेड आया. हो सकता है आप टॉस करो तो 10 बार क्या आए, टेल आए. तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली मेरे हेड आने के चांसेस थे 100% और टेल आने के चांसेस 0%. अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं जिसमें मैं एक कॉइन को 10 बार टॉस करता हूं तो एक्सपेरिमेंटली मुझे 10 बार क्या आया, सपोज हेड आया, एक भी बार टेल नहीं आया, तो हेड आने के एक्सपेरिमेंटल चांसेस कितने हुए, 100%, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1, और टेल आने की 0.
अब आप इसी चीज को थियोरिटिकल पे ले आओ। अगर थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन आता तो हम क्या कहते कि भाई अगर तुम कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हो तो आधे चांसेस है हेड के, आधे चांसेस है टेल के, 50% चांसेस हेड के है, 50% चांसेस टेल के है। सो आई होप सो आप समझ रहे हो कि थियोरिटिकल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। सपोज एक्सपेरिमेंटली मैं 1000 बार कॉइन को टॉस करता हूं, एक्सपेरिमेंटली 1000 बार कॉइन को टॉस करता हूं और उसमें से 400 बार आया हेड और 600 बार आया टेल। एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैंने 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, क्या करें लॉकडाउन सिचुएशन है तो टाइम ही टाइम है हमारे पास, तो 1000 टाइम हमने टॉस किया, 400 टाइम आया हेड, 600 टाइम आया टेल। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी हो जाएगी, 400 आउट ऑफ 1000 ये कट होके हो जाएगा 0.4 और प्रोबेबिलिटी टेल की हो जाएगी 0.6। ये है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो स्टैंडर्ड 9th में पढ़ते थे। अब जब आप 10th में आ गए तो आ गया थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी। अगर मुझे थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन देते कि 1000 बार कॉइन को टॉस करना है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो मैं कहूंगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी है 0.5। आई होप सो कि आपको एक्सपेरिमेंटल और थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस समझ में आया होगा। कार्ल पियर्सन नाम का जो स्टेटिस्टियन था उसने यही चीज, यहां तो मैंने 10 बार या 1000 बार की है, उसने 24,000 टाइम टॉस किया था। जी हाँ स्टूडेंट, कार्ल पियर्सन नाम का जो बंदा था, मैथमेटिशियन स्टेटिशियन, बहुत बड़ा योगदान है स्टेटिस्टिक्स में उसका, उसने 24,000 टाइम उसने टॉस किया और 24,000 टाइम में से 12,012 टाइम्स हेड आया और बाकी बार टेल आया। और इससे थियोरिटिकली उसने प्रूव कर दिया कि व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराया जाए तो आपकी थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी में ऑल द पॉसिबल आउटकम नियरली इक्वल है। तो अगर ये पूरे इसका कंक्लूजन निकाला जाए कि थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में किसी भी चीज के होने के इक्वल चांसेस नहीं माने जाते हैं, जबकि थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट के 5 आउटकम है तो 5 होने की शक्यता इक्वल है। क्या डिफरेंस है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में अगर किसी चीज के 5 आउटकम है तो 5 होने की शक्यता इक्वल नहीं है, जबकि थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी में वो 5 होने की शक्यता कैसी है, इक्वल है, यानी 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। दैट्स इट फॉर टुडे। 12,012 टाइम्स जैसे कार्ल पियर्सन हेड्स लाया था, आई थिंक आपके पास भी लॉकडाउन में काफी समय है, आप खुद ट्राई कीजिएगा के 1000, 2000, 5000, 10000 बार कॉइन टॉस करके क्या आपके कितनी बार हेड आते हैं और कितनी बार टेल आते हैं। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, लेट्स एंड दिस लेक्चर टुडे। इन द कमिंग नेक्स्ट लेक्चर आई विल ट्राई के मैं एक ऐसा लेक्चर बना दूं जिसमें 20-25 बोर्ड ओरिएंटेड रिजल्ट ले, और पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स भी हम अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन बी सेफ, स्टेट होम, लॉकडाउन का पालन कीजिए, प्रे फॉर एवरीवन, एंड हमारे लेसन डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।